दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि टवेरा गाड़ी में जो गियर का प्ले हो जाता है इसको कैसे दूर किया जाए। देख रहे हैं आप, इसमें कितना प्ले नहीं होना चाहिए। इससे गियर लगने में दिक्कत होती है। अगर 3 नंबर लगाते हैं तो 1 नंबर लग जाता है, और 1 नंबर लगाते हैं तो 3 नंबर लग जाता है। इससे आपका अंदाज़ा बिगड़ जाता है। दोस्तों, मैंने इसको पहले खोल के रखा है, ढीला करके रबर को हम ऊपर कर लेंगे, और इसमें 3 नट लगे हुए हैं, इसको हम खोल देंगे। आमतौर पर दोस्तों, इसकी किट मार्केट में उपलब्ध नहीं रहती है, तो लोग कोई ना कोई जुगाड़ लगाते हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं होता। लेकिन आज आपको हम बताएंगे इसका कैसे जुगाड़ सक्सेस होगा। हमने इसका 3 बोल्ट होता है इसमें, हम इसको खोल लेंगे, खोल के लीवर बाहर कर लेंगे। दोस्तों, ने खोल लिया, और ये आप देख सकते हैं कि ये भी कट गया है। ये आपको नज़दीक से हम दिखाते हैं, और इधर का भी कट गया है। इसमें पहले से जुगाड़ लगा था दोस्तों, लेकिन वो भी फेल हो गया। ये बुश तो अभी चल जाएगा, सही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बुश होता है वो कट गया है, इसके कारण उसे प्ले पड़ गया है। दोस्तों, आइए आपको आज हम बताते हैं इस प्ले को कैसे दूर करें और परमानेंट दूर करें। चलिए देखते हैं, आइए लगाते हैं जुगाड़। आइए दोस्तों, अब आपको हम बताएंगे इसको कैसे इसका प्ले दूर किया जाए। दोस्तों, हमने एक पाइप लेके रखी है। आमतौर से ये पाइप आपको एयर कंप्रेसर में जो गन होती है उसमें ये पाइप लगती है, तो ये आप ले सकते हैं। थोड़ा सा हार्ड होती है, इसके लिए वही पाइप लगा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको मैंने बताया कि एयर कंप्रेसर की गन में भी पाइप लगता है। पाइप तो कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड होता है, मजबूत होता है। तो इसको लगाएंगे आप तो जल्दी कटेगा नहीं। देखिए, इसको मैंने ऐसे करके लगा दिया, और इसको मैंने ब्लेड से ऐसे लगाने के बाद ये काट दिया। दोस्तों, काटते समय सावधानी रखना है, ब्लेड कहीं आपके हाथों से नुकसान न पहुंचा सके। दोस्तों, ये मैंने दोनों तरफ इसको लगा दिया। लग गया। अब इसको हम करेंगे क्या, थोड़ा सा ब्लेड से इसको साफ कर देंगे ताकि ये आसानी से इसमें घुस बैठ जाए। अभी इसमें घुस लगाना दोस्तों, अब इसमें हम जो घुस लगाएंगे वो बहुत ही सस्ता घुस है, और आसानी से आपको मिल भी जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको दिखा दे रहे हैं ये दो घुस आप देख रहे हैं। ये मारुति वैन का गियर लीवर का घुस है, आपको हम बता दे रहे हैं आसानी के लिए। आप कहीं भी ले सकते हैं, बहुत सस्ता घुस है। अगर आपको MGP का लेना है तो सस्ता भी मिल जाएगा और बहुत अच्छा मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, अब इस बुश को हमको करना क्या है, इसको 2 जगह से हमको थोड़ा सा फाइल मारना है ताकि उसमें कायदे से बैठ जाए हार्ट में। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दोनों बुश को हमने ऐसे घिसाई कर लिया है साइड में, इसमें थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा और कर लेते हैं। दोस्तों, ये बराबर हो गया है। और दोस्तों, इसमें थोड़ा सा बावरी होती है, तो कटर से हम इसको थोड़ा सा साफ कर लेंगे ताकि
ताकि घुस आराम से अंदर घुस जाए। और फिटिंग बढ़िया है ये दोस्तों, हमने इसको कर दिया है। और ये देखिए घुस टाइट जा रहा है, जितना टाइट जाएगा उतना अच्छा रहेगा हमारे। ये देखिए दोस्तों ये घुस हो गया कंप्लीट, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। अब इसको चल के गियर बॉक्स में फिट करके देखते हैं। आइए दोस्तों अब हम आपको लगा के दिखाते हैं कि घुस हमारा कैसे काम कर रहा है। दोस्तों इसमें थोड़ा सा हम ग्रीस लगा लेंगे, और ये देखिए ग्रीस लगा लिया, घुसों भी लगा लिया है। अब इसको हम फिट करेंगे सीधा उल्टा देखकर। देखिए अगर दोस्तों टाइट जा रहा है तो इसको टाइट ही लगाइएगा, ताकि बाद में ये फिटिंग हो जाएगा। दोस्तों ये हमने लगा दिया है, अब इसकी टेस्टिंग होगी क्या ये सही काम कर रहा है। ये दोस्तों आपने जैसा पहले आपने देखा था कितना पिले था, अब इसका पिले एकदम खत्म हो गया, जैसे लग रहा है नई गाड़ी आप लाए थे वैसा इसका गियर हो गया। देखिए बिल्कुल नहीं हिल रहा है। अब इसको हम गियर लगा के चेक कर लेंगे। चौथा ये पांचवा ये बैक गियर लगा, बढ़िया गियर हमारा काम कर रहा है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा। हम आपको इसी तरह जुआड़ वाले वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।